हेरोइन हथियार सरहद ते साजिश जारी है लगातार अते तस्वीरां नापाक इरादियां दा सबूत ने। सरहद पारों भारत खिलाफ रची एक होर साजिश नूं बीएसएफ अते पुलिस ने नाकाम कीता है। तरनतारन पुलिस अते बीएसएफ ने सांझे ऑपरेशन दौरान 3 किलो हेरोइन अते 9 mm दा पिस्तौल बरामद कीता है। पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ने दावा कीता है कि खेमकरण दे विच सिविलियंस दे वल्लों ड्रोन दी मूवमेंट देखण दे बाद पुलिस नूं इस बाबत इतला दित्ती गई, जिस तों बाद कारवाई होई। अजे 6 दिन पहलां दी गल है जदों 3 फरवरी 2023 नूं खेतां च डिग्गिया होया ड्रोन बरामद कीता गया सी। 2 अते 3 फरवरी दी दरमियानी रात नूं करीब 2:30 बजे बीएसएफ दे जवानां ने फायरिंग करके इस ड्रोन नूं डिग्गिया सी। ए एक या फिर 2 दिन दी गल नहीं है, ए 4 तस्वीरां देखो। 10 फरवरी नूं हथियार ते हेरोइन बरामद कीती गई है, जदों कि 3 फरवरी नूं सरहदी पिंड कक्कड़ च ड्रोन साजिश नाकाम हुई सी, 5 किलो हेरोइन बरामद कीती गई सी। 22 जनवरी नूं अमृतसर देहाती पुलिस अते बीएसएफ दे सांझे ऑपरेशन दौरान फायरिंग करन तों बाद ड्रोन डिग्गिया गया सी। 3 जनवरी दी भी तस्वीर है जिथे नापाक इरादे नाकामयाब होए ने। घुसपैठिए नूं भारत दी सरहद च दाखिल होण दी कोशिश करदे वेले ढेर कर दिता गया सी। पर सिर्फ सरहद तों आउंदा नशा ही चिंता दा विशा नहीं है, सरहदी इलाके दे लोकां दी नशा स्मगलिंग च शमूलियत भी फिकर दा विशा है, क्योंकि ड्रोन दे जरिए आया नशा चुक के लियारे एक नाबालिग नूं काउंटर इंटेलिजेंस ने अमृतसर तों गिरफ्तार कीता है। 9 फरवरी नूं 17 साल दे मुंडे नूं गिरफ्तार कीता गया, जिसका पिता ते दादा एनडीपीएस एक्ट तहत जेल च ने, यानी कि 3 पीढ़ियां नूं नशे ने बर्बाद कीता है। पंजाब दे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जदों सरहदी इलाकियां दे दौरे ते गए सन तां 2 फरवरी नूं उन्होंने फिकर जताई सी कि सरहद तों आउंदा नशा मुश्किलां च पा रहा है, पुलिस दीआं खामियां भी ने ते बच्चे भी नशे दे आदी हो रहे ने, फिर चाहे ओह नशे दी लत होवे या फिर नशे दी स्मगलिंग दी। स्कूलें प्रिंसिपल्स वगैरह चिंता में, स्कूलों में तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि ड्रग्स में बच्चे हैं वो अपने घर में से चोरी करने लग गए, इतने एडिक्टेड हो गए, घर का सामान चोरी कर लेते हैं वही बच्चे। तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना, ये मेरी चिंता सबसे ज्यादा चिंता है। बॉर्डर से आता है ड्रोन, आता है ड्रोन ड्रॉप करता है, तो यहाँ मिले हुए लोग होंगे ना, पर वो कर रही है ना, उड़ा रही है ना, कितने खत्म हो रहे हैं ड्रोन। ना सिर्फ नौजवान अते बच्चे प्रभावित ने, बल्कि सरहदी इलाकियां दे किसान भी परेशान ने, क्योंकि आए दिन ड्रोन आउंदा ते उस तों बाद सुरक्षा बलां दी कारवाई इन्हां दे काम च अड़िके दा सबब बणदी है। ये मुसीबत किसानां दे पई आ कि ड्रोन आ रहा पाकिस्तान दे विचों, ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया, जदों ड्रोन दी ओह आवाज आउंदी आ जां पुलिस ताईं जिहड़ी इनफॉर्मेशन पहुंचदी आ, ते पुलिस वाले ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੈਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਲਾਲਤ ਤੇ ਝਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਸ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਆ ਨਵੀਂ ਬਿਵਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਡਰੋਨ ਡਰਾਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। सरहद ते जो ड्रोन ड्रामा जारी है, पंजाब पुलिस अते सुरक्षा एजेंसियां लई सरदर्दी है, क्योंकि मौजूदा विलेज पंजाब अंदरूनी अते बाहरी खतरे नाल जूझ रहा है, ते दूजे पासे नित दिन ड्रोन्स दे जरिए कदे नशा हुंदा है ते कदे हथियार।